नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में बारिश के बाद राप्ती नदी उफान पर है। खतरे के निशान से राप्ती नदी का जलस्तर ऊपर पहुंच गया है। राप्ती बैराज पर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ के मद्देनजर कछार के गांवों में प्रशासन ने अलर्ट किया है। कछार के इलाकों में राहत एवं बचाव चौकियों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। सोनभद्र में देश में सबसे ज्यादा बिजली कारखाने हैं। वहीं सोनभद्र 25,000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत उत्पादन करती है, पर सोनभद्र में ही शहरी क्षेत्रों में रोज 6 से 10 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। वहीं आदिवासी बाहुल इलाकों के गांवों में तो 2 दिन से लेकर हफ्ते हफ्ते बिजली गुल रहती है, जिससे आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। भाग्य की बात है, हमारे यहाँ विगत 50 वर्षों से इतनी बड़ी परियोजना स्थापित है और हम निवासी जो है उसका प्रदूषण से लेकर हर चीज यहाँ बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद हमें पर्याप्त सप्लाई भी नहीं मिल पाती है, न ही अधिकारी कोई सक्षम जवाब देता है, न ही सुनवाई को सरकार को बदनाम करने की। हमारे भाजपा सरकार को पूर्ण रूप से बदनाम करने की यह पूरी पूरी अधिकारियों की साजिश है, जो कि बैठे हुए मलाई खाते हैं और किसी भी जनता की सुनवाई नहीं है। करीब करीब 36 घंटे से गाड़ी गायब है जी। देश के मुख्यमंत्री जहां पर ऐलान करते हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में हर प्रदेश अपने पूरे प्रदेश में 22 से 24 घंटे बिजली मुहैया कराई गई है, और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे इसी ओबरा नगर में जहाँ पर पूरे देश को बिजली सप्लाई की जाती है, यह विद्युत नगरी होने के बावजूद यहाँ पर 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही है। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव लपकरी में देर रात अचानक भरभरा कर गिरे एक मकान के छज्जे के मलबे के नीचे दबकर 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद देवबंद के सरकारी अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाया बुझाया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देर रात ही परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। मौके पर पहुंचे देवबंद SDM दीपक कुमार ने परिजनों को हर संभव का आश्वासन दिया है। कल लपकरी ग्राम में लगभग 9 बजे अचानक एक छज्जा गिरने से मोहन नाम का व्यक्ति, जो अपने बच्चे के 1.5 साल के साथ निकला था, वो छज्जा गिरने से उसके 1.5 साल के बच्चे की तुरंत मृत्यु हो गई और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया और वहाँ से उसको एम्स भर्ती कराया गया। उनके परिजनों से बात हुई, उन्होंने बताया कि एम्स ऋषिकेश गए हैं, वहाँ अब उनकी तबीयत ठीक है और इसकी जो रिपोर्ट है हमारे द्वारा जिला प्रशासन को प्रेषित की गई। मैनपुरी में केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल तक अमृत काल रहेगा, धीरे धीरे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा जो यहाँ नहीं हुआ, शायद कुछ और विकल्प रहा होगा, उनका समय आ गया है, समाज आ जाएगा कि 75% देश ने स्वीकार किया है कि PM को समाजवादियों को गर्व करना चाहिए। PM पर भारतीय मूल का व्यक्ति विश्व का सबसे प्रिय नेता है, SP और कांग्रेस के भी नेता हैं, और PM पूर्व प्रधान रामलता दिवाकर के यहाँ केंद्रीय मंत्री ने जलपान किया। जिले में दूसरे दिन के प्रवास के दौरान मर्शराजन चौपाल में ये बातें कही। धीरे धीरे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा जहाँ नहीं हुआ था, और जिन्होंने ये सोचा था कि शायद कुछ और विकल्प उनके ध्यान में, उनको भी समझ आ जाएगा। आपको ही, आप ही ने रिपोर्ट किया अभी 2 दिन पहले कि विश्व स्तर का एक सर्वे हुआ जिसमें विश्व ने ये स्वीकार किया कि विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 75% मतदान से यदि कोई है तो मोदी जी। मैं तो लगता है कि समाजवादियों को भी गर्व करना चाहिए मोदी जी पे कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो वो मोदी जी तो अब समाजवादियों के भी नेता है, कांग्रेस वालों के भी नेता है, वो विश्व के नेता है। आज कौन सा मंत्र दिया है आपने बैठक के दौरान? यही मंत्र कि मोदी जी केवल किसी पार्टी विशेष के लोकप्रिय नेता नहीं है, हमारे तो है ही, हमारे लिए वो एसेट है, हमारे लिए वो मार्गदर्शक भी हैं, हमारे गाइड भी हैं। हमें फख्र है कि हमें गर्व है कि हम उस संगठन से संबंधित हैं जिसके मुखिया मोदी जी हैं, लेकिन आज विश्व मान रहा है।
पीलीभीत में सार्वजनिक रास्ते पर बड़ा पेड़ विवाद का कारण बन गया। बीते दो दिन पहले गांव के सैकड़ों ग्रामीणों सहित प्रधानपति ने विरोध किया। सूचना पर लेखपाल स्थानीय पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में रास्ते से पेड़ हटाया गया। सार्वजनिक रास्ते को पेड़ द्वारा बंद करने को यहां पर आरोप लगाया गया था। आरोपियों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर गांव के प्रधानपति सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों पर घर में घुसकर छेड़छाड़, धारदार हथियार से मारपीट करने जैसे मामले में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित ग्रामीणों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। थाना सुनगढ़ इलाके के सड़िया गाँव का ये पूरा मामला है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में बदमाश पंजाबी यादव को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बदमाश रात में अपने साथियों के साथ थाना मिरहिच के नगला अतीत नकवजी करके भाग रहा था और घटना की जानकारी पर स्वाट टीम लगातार पीछा कर रही थी। थाना पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, दूसरा भागने में कामयाब रहा। फतेहपुर जिले के अमौली ब्लॉक के बलियाबाग में जहानाबाद से विधायक राजेंद्र पटेल का स्वागत समारोह आयोजित कर सम्मान किया गया। जहां स्वागत से गदगद जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल ने कहा कि योगी सरकार जब से 2014 से लगातार उतनी तेजी से जिले और प्रदेश में विकास कार्य किए जा रहे हैं। गुंडे माफिया यहां जेल में है, वहीं मुख्यमंत्री योगी महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। सभा को संबोधित करते हुए रोजगार और विकास कार्य को लेकर बीजेपी विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम योजनाएं और सरकारी वैकेंसी निकल रही है और लगातार भर्ती भी की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से जहां हर साल युवाओं को नौकरी मिलेगी, तो वहीं 4 साल के बाद नौकरी से हटने पर एकमुश्त जो पैसा रिटायर्ड जवानों को मिलेगा, उससे वे कोई भी व्यवसाय कर अपना परिवार चला सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ जहानाबाद क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक बनाकर भेजा है, उस विश्वास को कायम करते हुए अपने विधायक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करने का काम किया जाएगा। स्वागत सम्मान समारोह रखा तो उसी में हमने बूथ अध्यक्षों का भी स्वागत किया है और सम्मानित लोगों का भी स्वागत किया गया है। स्वागत से कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है वो बराबर बना रहे और उन लोगों ने बड़ा परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम भी किया है, तो हम उनको धन्यवाद देने के लिए आए कि आपने राष्ट्र के हित में प्रदेश की सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश के विकास के हित में बनाई, इसी तरह केंद्र में भी आप मानिए मोदी जी के सरकार वो जनता के द्वारा बनती है, तो अब जनता समझ चुकी है। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो संभव ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सके, बल्कि देश के कई हिस्सों से पार्टी साफ होती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प था वो लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव को अब अपने आप को राजनीतिक शो करना चाहिए, अन्यथा नुकसान में रहेंगे। बिजनौर में स्कूली बच्चों पर बाइक सवार ने फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। बाइक पर सवार 3 दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। स्कूल की छुट्टी के दौरान पता पूछने पर छात्रों के साथ मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में बाइक पर सवार 3 दबंग कैद हो गए हैं। पुलिस बाइक सवार दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। थाना धामपुर के मोटोरा मान इलाके का ये पूरा मामला। बस्ती की रुदौली में हुए सनसनीखेज और किलिंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रेमी युगल के डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। बीते 27 अगस्त को गनी के खेत में 18 वर्षीय अंकित नाम के युवक का शव मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया। मृतक युवक अंकित गांव के ही इरशाद के घर ट्रैक्टर चालक का काम करता था। घर आने जाने के दौरान इरशाद की बहन से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। घर वालों ने इनको एक बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और दोनों को समझाकर छोड़ दिया, लेकिन प्यार का परवान समझाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ और जिसके बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। जरिए 112 एवं पीड़ित के परिजनों द्वारा प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी हुई है।
इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रुधौली एवं उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो मृतक व्यक्ति अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा था और उसकी मोबाइल भी उससे थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी। मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उसका पुत्र रात्रि लगभग 10 बजे घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और शाम को लगभग 6 बजे उसकी डेड बॉडी गन्ने खेत में मिली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।